हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर साइज की बाजू कटिंग करना। आप लोग बाजू तो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जोड़ने में कोई छोटी पड़ती है और कोई बड़ी पड़ती है। तो आज मैं आपको बाजू की परफेक्ट कटिंग बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आपको बताऊंगी 32 साइज की और 36 साइज की और 40 साइज की बाजू कटिंग करना। तो सबसे पहले हम 32 सीना के हिसाब से बाजू कटिंग करते हैं। तो देखिए, आपको सिखाने के लिए मैंने ये अलग अलग कलर के कपड़े लिए हैं। इन कपड़ों पे मैं आपको बाजू कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसमें से मैं आपको 32 साइज की बाजू कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम नीचे की साइड में तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ते हैं फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसमें 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और बाजू की लंबाई है वो रख रही हूँ मैं 5 इंच। तो देखो, यहाँ पे हम 5.5 इंच का नाप करेंगे, वो आधा इंच हमारा ऊपर की साइड में मार्जिन में चला जाएगा। तो देखो, हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिया है। फिर हम इसका निशान यहाँ पे 2.5 इंच पर लगाएंगे। तो देखो, इस तरह से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और फिर यहाँ से हम बाजू की गोलाई करेंगे। यहाँ से इसको हम इस तरह से तिरछा करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहले आपको इस तरह से कटिंग करनी है, फिर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पे इसका नाप करना है जितना भी हमारा सीना है। तो देखो, ये 32 साइज की बाजू है, हमारा सीना 32 इंच है, तो हम 32 का चौथाई भाग करेंगे 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच का नाप करके 8 इंच ही इसको कट कर कंप्लीट रखेंगे। तो देखिए, मैंने बाजू को इस तरह से काट दिया है। फिर हम बाजू को इस तरह से खोलेंगे और हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी गहराई को हम ज्यादा करेंगे। तो देखिए, इसमें हम 1/2 इंच की गहराई करेंगे इस तरह से और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो हमारी बाजू है वो इस तरह से आएगी और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 20 सेंटर का। ये निशान है हमारा, ये मैंने कट लगाया है, ये शोल्डर पर ही आना चाहिए। ये हो गई हमारी 32 इंच के साइज की बाजू। और आप इसी तरह से किसी भी साइज की बाजू कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से बता रही हूँ मैं आपको 36 इंच के साइज की बाजू कटिंग करना। तो देखो, इसमें भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे, हम 36 का चौथाई भाग करेंगे तो वो 9 आएगा और हम यहाँ पे इस तरह से बाजू को फोल्ड करके यहाँ पे हमारा नाप है वो 9 इंच का ही आना चाहिए। तो देखो, पहले हम इसमें नीचे मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ेंगे, 1.5 इंच का निशान मैंने लगा दिया है और यहाँ पे हम बाजू की लंबाई रखेंगे 7 इंच और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 इंच का। ऊपर के निशान से इस निशान तक हम बाजू की गोलाई को करेंगे इस तरह से। और यहाँ से बाजू को हमें सीधा नहीं काटना है, इसी तरह से इसको तिरछा काटना है। तो देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका हम नाप करेंगे और यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाकर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। और देखिए, इसमें मैंने गहराई दे दी है सामने वाले आर्म होल में। ये 36 इंच की बाजू कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी 40 इंच की बाजू कटिंग करना। तो देखिए, पहले इसमें भी हम नीचे की साइड में तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ेंगे और फिर इसकी लेंथ का नाप करेंगे, वो मैं 7 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे बाजू की गोलाई का। और यहाँ से हम इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे।
और फिर इतना काट के हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके फिर हम इसका नाप करेंगे, तो यहाँ पे इसका नाप 10 इंच आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 10 इंच है और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट वाले आर्म होल को यहाँ से गहराई में काट दिया है और ये हमारी तीनों बाजू हैं, ये कट कर कंप्लीट हो गई हैं। आप इसी तरह से किसी भी साइज की बाजू कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी बाजू कटिंग करने में कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमें ये जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।